नमस्कार दोस्तों 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 देखिए, ये हमने अमेजोन से कुछ कमल यानी लोटस यानी कमल गट्टा के कुछ बीज मंगाए हैं। और हमने साथियों क्या किया है कि ये बीज मंगाए हैं, ये हमें पड़े हैं 259 रुपये के। और ये इसमें निकले हैं 57, हमारे जो 57 बीज निकले हैं। तो इस तरह लगभग ये जो हमारे बीज जो पड़े हमें, ये पड़े लगभग 4.5 रुपये का एक बीज पड़ा। तो आज हम बीजों से कमल को कैसे बोया जाता है उस पे, उसकी विधि पर चर्चा करेंगे। तो अपने आप जानते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से रोज़ एक नई तकनीकी, एक फसल नई पौधे पर, उसकी उगाने की तकनीक पर चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, बीज ऐसे होते हैं कमल के, ये एक तरफ से देख रहे हैं इसमें पॉइंट सा है, दूसरी तरफ से इस साइड में इसमें गड्ढा सा होता है। तो ये हमने बीज मंगाए हैं और आज हम इसी की बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो ये हम आज केवल 10 बीज उगा कर देखेंगे, बाकी रख लेंगे। कमल के बीज से एक फ़ायदा है, तो इसको हम ना सैंड पेपर पे, जो दो पोर्शन इसमें, एक एक मैंने बताया ना पॉइंटेड है और एक नॉन पॉइंटेड है, तो सैंड पेपर पे इसको घिस लेंगे और घिसेंगे तब तक जब तक ये वाइट सा ना क्रीमी जो भाग है ये दिखने लगे। तो देखिए इसमें, जैसे इसमें दिखने लगा तो ऐसे हम सभी 10 बीजों को आज हम उगाएंगे और देखेंगे कितना जमा होता है। तो मैं बता रहा था कमल के बीज का ये फ़ायदा है, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। आप 10 बीज बो लीजिए, बाकी रख लीजिए, ये 10 वर्ष तक, बताते हैं 10 वर्ष तक वायबल रहता है, क्योंकि इसका जो ये जो ना ऊपर से, इसके ऊपर कठोर कवर चढ़ा रहता है और अंदर बीज सुरक्षित रहता है। तो एक एक करके आप इसे पत्थर पे भी रगड़ सकते हैं अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है। सैंड पेपर पे थोड़ा आसान रहता है, लेकिन इस पे भी हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा आराम से इसको घिसना है, अन्यथा आपके नाखून भी सैंड पेपर पे घिस सकते हैं। तो इसलिए आराम से इसको हमें कौन सा पोर्शन घिसना है, जैसे मैंने बताया ना कमल का बीज एक तरफ से पॉइंटेड नुकीला सा रहता है जबकि दूसरी तरफ से गड्ढा सा बना होता है। तो हमें जिधर गड्ढा सा बना होता है उधर से बीज को सैंड पेपर पे या किसी खुरदरे पत्थर पर इसे घिसना है, और तब तक घिसना है जब तक इसमें एक की क्रीमी सफ़ेद रिंग दिखना शुरू ना हो जाए। तो जब ये दिखना शुरू हो जाता है, पॉइंटेड बाहर की तरफ से नहीं घिसना है, क्योंकि उसमें बताते हैं कि इसका जो अंकुरण है ना वो प्रभावित हो जाता है। हमें जिस तरफ गड्ढा सा है उस तरफ देखिए क्रीमी वाइट सी लेयर दिखने लगी, तो यहाँ तक हमें घिसना है। और घिसने के बाद हम क्या करेंगे, इसे किसी पारदर्शी बर्तन में, डिब्बे में, कंटेनर में, जिस जो भी हमारे पास उपलब्ध है, देखिए सफ़ेद रिंग दिखने लगी, सफ़ेद भाग दिखने लगा, तो इसको हम टेप वाटर में रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इनको उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें स्क्रैच करना है, स्क्रैच द नॉन पॉइंट एंड ऑफ द सीड टू एक्सपोज द क्रीमी पार्ट, पुट इट इन ए कंटेनर विद क्लीन टेप वाटर, चेंज वाटर एवरी 12 आवर्स। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको नॉन पॉइंटेड एंड जो है उधर से घिसना। देखिए हमने 10 जो हमारे बीज थे उनको घिस लिया और उनका सफ़ेद भाग हमें दिखने लगा, इतना हमने घिस दिया। अब इसको टैप वाटर में रख देंगे और इसमें 3-4 दिन में बताते हैं जमाव भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम तो इनको फर्स्ट टाइम इनको उगा रहे हैं बीज से। तो देखते हैं इसका हमें क्या तजुर्बा मिलता है, इससे सीखने को मिलेगा हमें। अब इन बीजों को अंकुरण होने तक हमें पानी में रख देंगे, टैप वाटर में, सिंपल टैप वाटर में जो हमारी टोटी से आता है उसी में रख देंगे। और बस ये ध्यान रखें हर 12 घंटे पे इसके पानी को बदलते रहते हैं, इसको कभी भी उगा सकते हैं, बस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो जैसे जैसे रूम टेम्परेचर हम कहते हैं, रूम टेम्परेचर हो इस तरह पानी का हो। तो देखिए हमने पारदर्शी, इसमें क्योंकि पारदर्शी हमने कंटेनर यूँ लेते हैं और इसको रख देंगे टैप वाटर में पानी में, जिससे कि हमें इसका जमाव दिखता रहेगा। और इसमें पानी में रख के हम फिर रख देंगे इसको सेमी शेड एरिया में रख देंगे, जमाव इसका दिखता रहेगा उस, क्योंकि वो है इसके लिए ट्रांसपेरेंट बर्तन में इसीलिए रखते हैं कि इसका जमाव दिखता रहे। मगर जब इसमें जड़ें निकल आएंगी, लीफ आने लगेंगी, तब इसे नॉन ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखना है।
जब पत्तियां और स्वस्थ जड़ें बन जाएंगी तो बड़े कंटेनर में हम इसे रखेंगे, जिसको हमें 50% गार्डन सॉइल लेनी है जो चिकनी मिट्टी हो, या और उसमें 50% कंपोस्ट मिलाकर तैयार जो हम मिश्रण करेंगे उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे जब इसमें स्वस्थ जड़ें बन जाती। सावधानी पूर्वक करेंगे क्योंकि इस समय बीज फूलकर बहुत डेलिकेट हो जाता है। बीज को तैयार मिश्रण या हम अगर ये नहीं रखते तो तालाब का कीचड़ ला के तालाब में से जिस मिट्टी में उगते हैं, अब देखिए दो बीज बताते हैं जो तैरने लगते हुए उगते नहीं हैं, तो ये हमारे दो बीज 10 में से 2 मतलब 80% जमाव है, 10 में से 2 हमारे तैर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये डूब जाते हैं या इनमें जमा होता है कि नहीं होता है, तो इनको रख देते हैं सेमी सेड एरिया में। तो जो हमने गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का मिश्रण तैयार किया उस मिट्टी को, उस मिश्रण को कुछ दिन रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि नमी वमी रहती है तो उसमें फंगस की संभावनाएं रह जाती हैं, और उसमें हम उस मिश्रण में या तालाब से लाए कीचड़ में जब ये जड़ें इसमें निकल आएंगी, स्वस्थ जड़ें निकल आएंगी, पत्तियां निकल आएंगी, तो जड़ वाले पर्सन को मिट्टी में या कीचड़ में उसमें इसको रख देंगे और पत्तियों वाला भाग ऊपर रखना है। तो ये देखिए, ये मैं वही दिखा रहा हूँ कि ये हम लाए थे अपना इस तरह बीज लाए थे, और बीज को हमने अपने इसमें रख लिए थे, उसमें से 10 बीज चुन के हमने नॉन पॉइंटेड, एक तरफ देखिए गड्ढा था, एक तरफ हमारा ये नुकीला भाग है, तो इसको हमने घिसा था, और केयर के साथ हम इस पर बहुत ध्यान देने वाली, पर घिसने में भी थोड़ा ध्यान देना होता है और किसका क्षति ना पहुंचे अंकुर को, तो ये हमने इस तरह इसको 10 बीजों को घिस लिया था। और हम इससे क्या होता है कि जब इस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो जल्दी 3 माह में लगभग इसमें फूल प्राप्त हो जाते हैं, अगर हम केयर से इसको करते हैं, देखभाल अच्छी तरह करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है, लोटस को ना राइजोम से उगाते हैं, तो देखिए इस तरह इसमें ये जमा हो जाएगा, और जब ये इस तरह जमा हो जाएगा और ये पत्तियाँ निकल आ जाएंगी तो तब हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं कीचड़ में। तो ये निर्देश वहाँ से जो हमें मिले, अब मैं दिखाता हूँ। देखिए ये पानी का रंग हो गया ऐसा, इसको भिगोने के 12 घंटे बाद, ये 12 घंटे बाद हमें क्योंकि बदलना है अब, तो 12 घंटे बाद इस पानी को बदल देंगे, तो हर 12 घंटे पर हम इसको बदलते रहेंगे। 12 घंटे बाद देखिए पानी का रंग कुछ लाल लाल सा हो गया है, तो ये हमारी प्रक्रिया हो गई है जमाव की शुरू। तो कुछ लोग इसको राइजोम जो इसमें होते हैं मुँह से उगाते हैं, वो आसान है, वो और जल्दी उग जाता है। एक बार आपने पौधे जो बीज से उगा लिए उसके बाद आपके पास राइजोम हो जाएंगे और बीज से उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके यहाँ बहुत सारे राइजोम अब अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो राइजोम से जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ वहाँ 3-4 महीने लगेगी तो यहाँ 50-60 दिन में ही फ्लावरिंग शुरू कर सकते हैं अगर हम राइजोम को भी बस उसी कीचड़ वाली मिट्टी में हमें दबाना होता है, और उसको पोट के सेंटर में नहीं, देखिए हमने इसमें रख दिया ये, उसको जब बड़े बर्तन में हम बड़े टब टाइप में जो कम से कम 20 इंच गहरा हो और उसमें 3 इंच मिट्टी हमें रखनी होती है, कीचड़ रखना होता है, उसके किनारे पर सेंटर पर नहीं लगे, क्योंकि ये जो इसके राइजोम हैं हॉरिजेंटल बढ़ते हैं, तो उनको किनारे पर हम लगाते हैं, राउंड शेप में बढ़ते रहते हैं टब में, फिर तो उसमें हम राइजोम को लगा सकते हैं, और 50-60 दिन में एक फ्लावरिंग इनमें शुरू हो जाती है। कमल के बीज जो है ना पूजा की सामग्री की दुकान पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी पूजा भी होती है। अब ये देखिए 48 घंटे में मैं मतलब दो दिन में इनमें देखो अंकुर फूटने लगा, बीज का कवच फट गया और उससे अंकुर निकल आया, ऐसे हमारे 3 बीजों में निकल आया, मतलब हमारा जो 30% जमाव तो इसमें हो गया, तो ये 2 दिन में ही। तो ये पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि इसे लकी प्लांट माना जाता है, और इनकी बहुत सारी प्रजातियां विभिन्न रंगों में मिलती हैं। बीजों से जल्दी स्प्राउटिंग या अंकुरण के लिए इसे घिसते हैं और पानी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, जब तक जड़ें ना निकलें तब तक बड़े कंटर में नहीं रखना चाहिए। तो ये देखिए हमारे 3 बीज ऐसे हैं जिनमें अंकुरण निकल आया है, तो इस तरह हमारा 30% तो जमा हो चुका 2 ही दिन में। अब इसको पानी को बदल के फिर से इसको रख देंगे, और आगे का अपडेट अगले वीडियो में मैं फिर आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।